स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम रेंज पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं आपको बता दूं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है ना साइंस फील्ड से, और यदि आपने डिप्लोमा वगैरह भी किया है ना, तो भी आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई हुई है और यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था। आप सभी लोग उसके नोटिफिकेशन नंबर को देख सकते हैं। इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके लिए बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं ना, तो आप 24 तारीख से लेकर 22 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट की है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको पेमेंट रहेगा। सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं ये वैकेंसी किसके लिए आई हुई है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, यहाँ पे इन दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यदि अपन बात करते हैं कैटेगरी वन के लिए, तो कैटेगरी वन के लिए यहाँ पे 1216 और यहाँ पे कैटेगरी टू के लिए यहाँ पे 2946 पोस्ट आई हुई है। यानी कि आप मान के चलिए लगभग 4,450 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। इस पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री की यहाँ पे आई हुई है 9। यदि आपने एमएससी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से फिजिक्स के लिए आई हुई 14, आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे आई हुई 1, केमिकल के लिए यहाँ आई हुई है 20, सिविल के यहाँ पे 20, कंप्यूटर साइंस की 12। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पे ड्रिलिंग की वैकेंसी भी आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इलेक्ट्रिकल की 23, इलेक्ट्रॉनिक्स की 15, इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे 8, मैकेनिकल की 44, मेट्रोलॉजी की यहाँ पे 3, इसी तरह से माइनिंग की यहाँ पे 2 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, ठीक है। यदि आपने माइनिंग भी की है ना, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। यानी कि सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसी तरह से लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की वैकेंसी आई हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 1 वैकेंसी इसके लिए आई हुई है, ठीक है। ये तो बात हुई कैटेगरी वन की, ठीक है। इसी तरह से बात आती है कैटेगरी वन के अंतर्गत आने वाले साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी भी आई हुई है। यहाँ पे टोटल 7 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। यदि आपने बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है। टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ पे इसे देख ही सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी वन स्टिपेंडेड ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस या फिर लाइफ साइंस के बारे में, तो यदि आपने बीएससी बायोकेमिस्ट्री से की है, बायो साइंस से की है, ठीक है, और आपके वहाँ पे 60% मार्क्स मिनिमम है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और उसमें ग्रेजुएशन पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 169 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यदि आपने केमिस्ट्री से एमएससी वगैरह किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसी तरह से फिजिक्स के लिए यदि अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर फिजिक्स के टोटल यहाँ पे 170 वैकेंसियाँ आई हुई है। क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने फिजिक्स से बीएससी वगैरह किया है, ठीक है, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिंपल वे पे पीसीएम प्लेन से यदि आपने बीएससी किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भी आई हुई है। सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। डिप्लोमा केमिकल की वैकेंसी भी आई हुई है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आई हुई है, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, सिविल, ऑटोमोबाइल, सब की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। यदि अपन बात करते हैं डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए, तो टोटल यहाँ पे 328 वैकेंसी आई हुई है, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसी तरह से यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना, तो इनके लिए भी वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं स्टिपेंडेड ट्रेनिंग कैटेगरी टू। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने आईटीआई वगैरह भी किया है ना, तो आपके लिए तो और अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। जैसे यदि अपन बात करते हैं फीटर के लिए, तो यहाँ पे फीटर की टोटल 698 वैकेंसियाँ आई हुई है। वेल्डर की यहाँ पर 99, टर्नर के यहाँ पे 213, इलेक्ट्रीशियन के 399, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के यहाँ पे 226 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने 10th पास किया है और उसमें आपके 60% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की वैकेंसी भी आई हुई है, सिविल के लिए वैकेंसी भी आई हुई है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई हैं, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब दोस्तों बात कर लें प्लांट ऑपरेटर की, तो दोस्तों यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी भी आई हुई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी तैयारी इसकी कराई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 532 वैकेंसी प्लांट ऑपरेटर की आई हुई है, कितनी वैकेंसी आई हुई है 532, ठीक है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, यदि आपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास किया है और उसमें आपके 60% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से लेबोरेटरी की वैकेंसी भी आई हुई है, यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट के बारे में कि आपकी एज कितने कितने के बीच में होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप टेक्निकल साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम एज रखी गई है 18 और मैक्सिमम यहाँ पे रखी गई है 35, और आपकी जो एज का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे 1988 और 2005 के बीच से होगा, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसी तरह से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए भी बताया गया है, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिए, बहुत ही शानदार रिक्वायरमेंट यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एज इलेक्शन के बारे पे, तो दोस्तों यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिलने वाला है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज इलेक्शन भी मिलेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यदि आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगा ना किस बेसिस पे होगा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन बी स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए, तो आप सभी लोग को मैंने कई बार बताया, सबसे पहले आपका स्टेज 1 में प्रीलिम टेस्ट होगा, स्टेज 2 पे एडवांस टेस्ट होगा स्किल, और स्टेज 3 पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है एडवांस टेस्ट, एडवांस टेस्ट के बेसिस पे स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है हाउ टू अप्लाई के बारे पे, तो दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई हुई है। दोस्तों यदि आप बात करते हैं यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी कितनी फीस रहने वाली है, तो दोस्तों यदि आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ₹150 रहेगी, कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पे ₹100 रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ₹500, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 और टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे ₹100 की फीस यहाँ पे रहने वाली है, तो आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे पे, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट पे आप यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन सेंटर दे दीजिए, आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी, होपफुली आप सभी लोग मेरी सारी बातों को समझ गए होंगे, फिर भी आपके मन पे किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे पे, तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, कैटेगरी 1 की यहाँ पे सैलरी रहेगी लगभग ₹45,000 और कैटेगरी 2 की यहाँ पे सैलरी रहेगी, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिए। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी, फिर भी आपके मन पे इस वैकेंसी को लेके किसी भी तरह का डाउट है, आप किसी भी तरह से मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है दोस्तों।